इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग ने काशीपुर के बीचों बीच स्थित पोस्ट ऑफिस मार्केट से रतन सिनेमा रोड होते हुए गोविंद बल्लभ पंत कॉलेज मार्केट से मुख्य बाजार नगर निगम के सामने स्थित भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय नैनीताल में मोहल्ला थाना साबेक निवासी जावेद अख्तर ने एक याचिका 122/18 दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उपरोक्त भूमि कब्रिस्तान और तकिया में राजस्व अभिलेखों में सन 1960 से सन 1961 तक दर्ज रही तथा भूमि पर कब्रिस्तान मौजूद रहा, लेकिन बंदोबस्ती के बाद इस भूमि को राजस्व अभिलेखों में निजी व्यक्तियों व संस्थाओं के नाम दर्ज दिखा दिया गया, जिसके बाद से इस पर अन्य लोगों का कब्जा चल रहा है। याचिका पर तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने राजस्व विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि उक्त भूमि किन वजहों से कब्रिस्तान की बजाय गलत तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई, इसकी जांच कर न्यायालय को अवगत कराया जाए। साथ ही 23 अक्टूबर 2018 को दिए आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्व अभिलेखों को ठीक कर इस भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाए, जिसके बाद आज राजस्व अधिकारियों ने भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है। तहसीलदार विपिन पंत ने कहा कि पैमाइश के बाद उच्च न्यायालय पालिका के आदेश के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इस मामले में कब्जेदारान का वाद दायर करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने बताया कि 1960 से 1961 में ग्राम महेशपुरा के खसरा नंबर 363 में 19 एकड़ तथा खसरा नंबर 597 के 3.77 एकड़ भूमि तकिया तथा कब्रिस्तान के नाम दर्ज थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट में वाद दायर किया था, जिस पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा पैमाइश करने सहित अन्य आदेशों को पारित किया गया। काशीपुर उत्तराखंड से न्यूज 22 इंडिया के लिए एफ यू खान की रिपोर्ट। 22/2018 जावेद अख्तर बनाम सरकार, तो उसमें माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय से पत्रीय जिला हमारे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उनको एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसके पूर्व में जाँचें हुई थी। हमने यहाँ पर आज पेमेंट का काम किया, जी सर पूर्व में 1321 तस्वीर से बंदोबस्ती के समय से क्षेत्र महेशपुरा की भूमि नॉन जेडी की जो भूमि है कब्रिस्तान के नाम पे चल रही थी। हमारे जो राजस्व अभिलेख है कब्रिस्तान के रूप में दर्ज अभिलेख है और 1368 तस्वीर के पश्चात इंडिविजुअल्स के नेम उसमें आए हुए हैं। इसी के क्रम में आज एक टीम बनाकर राजस्व विभाग वहाँ पर नपत का काम कर रहे हैं। सर इसके अलावा नपत के साथ साथ क्या जो इस टाइम वर्तमान में कब्जेदारी हैं उनको कोई नोटिस प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी, जिससे कि विधिक जो हमारी जो ड्यू प्रोसेस लॉ जो भी है उसमें उसके अंतर्गत अगर कुछ अनऑथराइज ऑक्यूपेशन अगर वहाँ पर आया है अनाधिकृत तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही इसमें विवाद दायर करते हुए कार्रवाई की। ये श्री जावेद अख्तर जी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी, उसमें माननीय चैनल उत्तराखंड नैनीताल के द्वारा 23/10/2018 को इस संबंध में आदेश पारित किया गया था। आदेश के क्रम में माननीय कलेक्ट्रेट महोदय से जो है पत्र प्राप्त हुआ था और इस संबंध में चूंकि इस भूमि के संबंध में जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है उसके लिए अग्रसारित किया गया है। तो क्या ऑर्डर किस तरीके का पारित हुए हैं और क्या अभी इस जो कब्जेदारी है उनको बेदखल करने का काम किया जा रहा है? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जैसा मुझे आदेश हुआ वैसी कार्रवाई जो है हम लोग करी जाएगी। इसमें याचिका में क्या दर्शाया गया था? जो दस्तावेज है दस्तावेजों के अनुसार ये दिखाया जा रहा है कि इसमें पूर्व में जो है तकिए एवं कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है इस भूमि पर, वर्तमान में जो है वो नाम दर्ज नहीं है
अब जैसे इसमें रिकॉर्ड के अनुसार जो स्थिति होगी उस हिसाब से उन पर वाद दायर किए जाएंगे। थोड़ा सा बता सकते हैं कि कितनी भूमि ये सब और कितने इस टाइम इसमें लोग जवाब? मेरे द्वारा पत्र केवल अभी मौके की जो है वास्तव स्थिति के लिए लिखा गया है, वास्तव स्थिति जो है उससे स्थिति साफ हो पाएगी कि वर्तमान में भूमि पर क्या क्या बना है, क्या क्या चीज़ें इसमें बनी है, क्या क्या इसमें इंगित है, उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी विधिक कार्रवाई। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 India। खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।